अगस्त महीने में लगातार हुई बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। काटोल नरखेड़ तहसील में सोयाबीन की 100% हानि हुई है, साथ ही साथ कपास का भी 50% उत्पादन कम हुआ है। काटोल नरखेड़ तहसील में मौसमी फलों की गल होने से 50% नुकसान का अनुमान है। उड़ीद और मूंग के फसल का पहले ही बटाधार हुआ है। कोविड-19 की वजह से पहले किसानों की हालत खस्ता है, ऊपर से मूंग के पास आया हुआ निवाला भी छीन गया है। कोविड और अतिवृष्टि के कारण किसान अधमरा हालत में पहुंच चुका है, लेकिन सरकार है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है, अभी तक मुआयना तक नहीं किया गया। नुकसान का मुआवजा कब मिलेगा, इस इंतजार में किसान राह देख रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घर में बैठकर सरकार चला रहे हैं और पूरा मुंबई का हित देख रहे हैं। विदर्भ का किसान मरता है तो मरने दो, किसान के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं। मुआवजा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, यह सब गुलदस्ते में है। सोयाबीन को 25,000 प्रति हेक्टर, कपास के लिए 30,000 प्रति हेक्टर और मौसमी को 75,000 प्रति हेक्टर मुआवजा दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के कोर कमेटी सदस्य सुनील वडस्कर इन्होंने की है। ही परिस्थिति निर्माण झाली असताना ज्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सरकारने शेतकऱ्याला काहीतरी दिलासा दिला पाहिजे ही भूमिका प्रत्येकाची असते, परंतु हे असंवेदनशील सरकार यावर काहीही बोलायला तयार नाही। आणि म्हणून येत्या काळामध्ये जो शेतकरी हतबल झाला आहे त्याच्यावर या सरकारने निश्चितच एक मदतीचा हात शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे, ही प्रथम मागणी आमची आहे।